सो व्हाट्स अप गाइस, आज हम खेलेंगे स्कैरी हॉरर 2। इसके अंदर कुछ लोग मुझे किडनैप कर लेते हैं और कहीं पर बंद कर देते हैं और वहां से हमें पजल सॉल्व करके एस्केप करना होता है। ऑलराइट, तो अभी हम आ चुके किडनैपर के घर के अंदर, मतलब कि हमें किडनैप कर लिया गया है। यहाँ पर ना भाई सामने एक डेड बॉडी है, पता नहीं भाई यहाँ पर एक गड्ढा है और एक लॉकर भी है। इस लॉकर को हम खोल नहीं सकते, इसमें लॉक लगा है। इसको हमें खोलने के लिए भाई पजल सॉल्व करनी होगी। इसकी की चाहिए, बाथटब। यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिसिटी चालू कर रखी है, मैं इसमें नहीं छू सकता। ओह मुझे मिल गया, ये भाई इजी सी पजल थी, बस मुझे ये चाहिए था। अब मैं ऐसा लॉक तोड़ सकता हूँ, होपफुली टूट जाए। टूट गया। इसके अंदर मिला है भाई अपने वो पाइप्स, और भाई यहाँ पर नीचे भी कुछ रखा है, ये नहीं खुल रहा यार। इसके लिए लगता है हमें कुछ और ढूंढना होगा, बट हम इस पाइप का यूज़ करके ना भाई नीचे जा सकते हैं इस हॉल के थ्रू। नीचे भाई एक और फ्लोर है, उस पर चलते हैं। इसको मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ ना, हाँ, तो अब हम इसको भाई नीचे ले जा सकते हैं। अभी ना हम एक और रूम में आ चुके हैं। यहाँ पर भाई ये क्या हुआ, ये पाइप ब्लास्ट कर गया, इसमें से गैस लीक हो रही है, ये जहरीली ना हो बस। और यहाँ पर पाइप के पास हमें भाई कोई क्लू नहीं मिल रहा, मतलब कि इन्हें रोटेट करना है, बंद नहीं हो रहा, ये रोटेट करना है, कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर ना भाई तीन सिंबल बने, मतलब एक सर्कल वाला यहाँ पे मिसिंग है, कॉप। और ये ओल्ड पाइप है, तो ये ब्लास्ट भाई हो जाएंगे सबके सब, ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। यहाँ पर वेट, एक वेंच भी रखा है, ले लेता हूँ, आगे हमें पक्का काम आने ही वाला है। ये लाल सिलेंडर क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भाई कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बल्ब वगैरह, स्विच वगैरह है, और एक स्विच मिसिंग है, तो शायद हमें वो फाइंड करना है। ये ग्रीन बैग में देखते हैं, नोट पैड में क्या है। यू कांट रन अवे, भाई ये क्लियरली एक साइकोपैथ लिखा है, भाई बचकानी भाई बातें लिखता है, हम भाग नहीं सकते यहाँ से। और भाई यहाँ पर एक लंच बॉक्स है जिस पे भाई लॉक लगा है, भाई हम भूख भी लगी है, बट चलो एक काम करते भी ना, फिर सब भाई सेम रूम में चलते हैं पिछले वाले में, क्योंकि यहाँ पर ना भाई डेड बॉडी भी है, इसको चेक करते हैं। क्लू तो इन दो ही रूम में मिल सकता है और भाई हम कहीं जा भी नहीं सकते, तो डेड बॉडी को हम चेक कर ही सकते हैं। हाँ भाई चेक कर सकते हैं, ऐसे कैसे भाई बिना चेक करे नहीं जा सकते हम लोग। वेट भाई, ये डेड बॉडी नहीं है, ये तो पुतला है यार। अच्छी बात है वैसे, पुतला है, मैं भाई सच की डेड बॉडी होती तो हमें क्या ही हाल होता। यहाँ पर भी कुछ है, ओ इस बॉक्स के अंदर भाई एक पजल है, ये सॉल्व करना तो ईजी है यार, ऐसा गेम तो मैंने बहुत खेला है। इसको ना अभी मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से ना मुझे ये रेड वाला बाहर निकालना है बस। भाई फाइनली होने वाला है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मैं थोड़ा हल्के में ले रहा था बट हो ही गया। देखते हैं इसमें से हमें कुछ तो मिला है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, देखना पड़ेगा, इसका नाम मुझे नहीं पता, जो भी है ये काम का लग रहा है। इसका नाम चेक करते हैं पहले, क्या है, पाइप क्लैम्प। ओ भाई मैं समझ गया, पाइप का आगे लगने वाली चीज़। और वेट, यहाँ पर भाई बाथटब में ना भाई ये बेंच से हम शायद ये खोल सकते हैं, मुझे अभी याद आया, ये वॉल्व नीचे लगने वाला है, मैंने भाई पहले भी देखा था, मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ये वॉल्व ना भाई नीचे सर्कल वॉल्व मिसिंग है, वहाँ का वॉल्व है, मतलब वहाँ का नहीं हुआ मगर वहाँ लग सकता है। और रुको, यहाँ पर ना स्पून भी रखा है, ये भी ले लेते हैं। ओ अभी ना हमें भाई यहाँ पर वॉल्व लगाना है अपना मिसिंग वाला, इसे लगाना है, होपफुली यहाँ पे गैस बंद हो जानी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर ना एक काम करते जल्दी, इसको भाई वर्क कर रहा है बट ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा, शायद दूसरा वाला वॉल्व घुमाने मुझे। वेट है सेकेंड, मुझे समझ आया, यहाँ पर जो साइन दिया ना मुझे, उस भाई उसी सेम लोकेशन में वॉल्व घुमाने दे, शायद अब ये काम कर जाना चाहिए, वैसे अभी भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ना मैंने बहुत छोटी सी गलती करी थी जिससे पजल कभी सॉल्व होके नहीं दे रही थी, जो कि भाई आगे आपको समझ आ जाएगी। और अभी ना यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट करने वाला हूँ बट आपको नहीं देखने मिलेगा। देखो मुझे पता है पर मुझे अजीब सा सोचना नहीं चाहिए, पर मुझे ये लगता है ये स्पून यही काम आने वाला है, क्योंकि अब यही एक चीज़ बची है भाई, मैं एकदम राइट था पर मुझे अजीब लग रहा है। नहीं यहाँ पर एक मुझे की मिली है, लंच बॉक्स की होनी चाहिए, वो पुली इस की को ना लंच बॉक्स में लगाना होगा। और भाई ये कितना अजीब था यार, भाई भले ही वो पुतला था अजीब लग रहा था, अभी ना हम यहाँ पर बैग में है ना लंच बॉक्स, ये रहा यहाँ पर जल्दी से। ऑल राइट, यहाँ पर हमें की से मिल गया, मतलब लंच बॉक्स से मिल गया एक नाइफ। और भाई सच बताऊँ तो साइको पर थोड़ा पागल है सच में, मतलब कि हमें कितनी क्रीपी जगह पर भाई उसने फंसा दिया एक तो। अभी ना यहाँ पर और कुछ हो सकता है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भाई वेंट है, इस वेंट में वेट, ये लाइट बल्ब टूटा हुआ है, यहाँ पर क्या हमें न्यू लाइट बल्ब लगाना है। वेट 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 वेट, यहाँ पर कुछ तो हुआ था, यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है ना भाई, वो किडनैपर साइकोपैथ यहाँ पर ही है शायद। बट अभी हम नाइफ का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इस रूम में जो डब्बा था ना यहाँ पर हो जाना चाहिए। ऑलराइट यहाँ पर ही होएगा, वरना ये डब्बा और कैसे ही खुलता है, बट देखते इसके अंदर क्या हो सकता है, साइकोपैथ ने इसमें क्या ही छुपाया होगा। वेट ये क्या है, ओह
वेट, ये देखा हुआ लग रहा है, ये नहीं नीचे के रूम में का एक स्विच है, ये यहाँ पर लगेगा ना। और राइट, तो ये अपना सिलेंडर मशीन चालू हो गई है, यहाँ पर क्या करना है हमें, स्विच सारे ऊपर करने हैं। ये ऊपर हो नहीं रहे, बट एक एक करके हो रहे हैं बीच के भाई इनके साथ में। वेट यार, ये कैसे होगा? ऑल राइट, हो जा प्लीज। नहीं यार, नहीं हो जा, अब तो हो जा यार, बहुत टाइम लग गया मुझे, हो क्यों नहीं रहा है इसको, शायद वेट अब हो जाएगा, दो ही बाकी है, प्लीज़ वेट, इसको भी थोड़ा सा और, ये हो जाना चाहिए। कुछ तो मिला हमें यहाँ पर, हमें मिला है भाई, क्या मिला है, कील मिली है क्या, फायर बॉक्स की, बट इस की का मैं क्या ही करूँगा यहाँ पर भाई, और कोई चीज़ बची ही नहीं जहाँ पर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है और कुछ यहाँ पर है भी नहीं। मैं यार कितना बड़ा गधा हूँ, मतलब एक छोटी सी पोजीशन के लिए मुझे ट्राइंगल की छोटा सा एंगल भाई इधर उधर हो रहा था, और भाई ये मुझसे पजल सॉल्व नहीं हो रही थी, अभी मैंने फाइनली कर लिए, ये मुझे पता भी नहीं चलता, बट अभी मुझे पता चल गया, नेक्स्ट रूम में हम जा सकते हैं। इस रूम के अंदर भाई ये क्या, बहुत सारे कैज रखे हैं, इस पिंजरों के अंदर क्या ही रखा होगा देखते हैं। पिंजरों के अंदर भाई जा भी देख भी नहीं सकते, इसके अंदर भी लॉक लगा कर रखा है, क्या है यार इसका लॉक, कुछ भी हो पता नहीं, इसको हमें चेक करना होगा, इसका लॉक ढूंढना होगा अभी हमें। यहाँ पर ना भाई देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर एक पेपर का पीस पड़ा है, ये टुकड़ा भी ले लेते हैं, आगे काम आ सकता है। और कॉक मशीन और स्क्रू ड्राइवर मिल गया हमें, स्क्रू ड्राइवर ठीक है, और यहाँ पर कॉक वगैरह तो हम भाई पीने नहीं वाले सड़ी हुई भाई। नेक्स्ट रूम में जाने के लिए ना भाई क्रोबार चाहिए। वेट, सामने एक पेंटिंग है, इस पर देखते हैं क्या है, इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वेट, ओह ये भाई पजल है, इसको हमें सॉल्व करना है। वेट एक सेकेंड, इसको ना मैं जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर भाई मुझे भाई हॉरर हाउस बनाना है पूरा कंप्लीट करके, तो यहाँ से शायद हमें कुछ तो क्लू मिल जाएगा। ये हो जाना चाहिए भाई, सही तो जा रहा है ना, मतलब मैं उल्टा ना बना दूँ, वैसे सही लग रहा है अभी तक तो। ऑल राइट, तो भाई ये हो जाना चाहिए अब। ओह ये क्या हो रहा है, ओह भाई ये चुड़ैल आ गई भाई हमारे पीछे, बट कुछ नहीं कर पाई, वो फ्रेम के अंदर फंसी हुई थी बेचारी। यहाँ पर हमें मिला है बटरफ्लाई नेट, वो भी विदाउट नेट भाई, बटरफ्लाई नेट विदाउट नेट हम क्या ही करेंगे। तो अभी ना यार हमारे पास है स्क्रू ड्राइवर, बटरफ्लाई नेट, फायर बॉक्स की, और एक अपने पास पेज भी है। और वेट, इस रूम के अंदर भाई एक और रूम है जहाँ पर फायर एक्सटेंशन रखा है, और जहाँ पर हम फायर बॉक्स की का यूज़ कर सकते हैं ना। हाँ हमें फायर एक्सटेंशन मिल चुका है, बट यहाँ पर आग तो कहीं पर लगी हुई नहीं है, शायद आगे काम आ जाए। और एक छोटा सा रूम और बॉक्स है, देखेंगे भाई फ़ोन पे हम फाइ, ये ट्वीट पेट, यहाँ पर हमें पेज भी मिला था, ये रहा, तो ये पेज यहाँ पर लगा है, इस पर हेल्प नंबर है यार, तो यहाँ पर भाई सारा काम तो यहीं हो गया, हम हेल्प बुला लेंगे तो हम शायद बच पाए। जल्दी से ना इसमें मैं कॉल लगाता हूँ भाई, जल्दी से कॉल लगाने के बाद ना हमें कोई ना कोई तो बचाना आ ही जाना चाहिए। यहाँ पर भाई ये आखिरी ये क्या हुआ, हमें भाई कॉल के बदले कॉइन मिल गया यार, मतलब मैं पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर रहा हूँ, कॉइन लेके क्या करूँगा। यहाँ पर और क्या है भाई, यहाँ पर ब्रेड ट्रैप रखे हुए हैं तीन, मतलब भाई इस डोर के भाई दूसरी साइड नहीं जा सकते भाई। यहाँ पर एक टेबल भी, ओह टेबल के ऊपर भाई कुछ एक पजल है, ये पजल मुझे सॉल्व करनी है, और थोड़ी ईजी है मुझे ना भाई, जहाँ पर आई का लोग है वहाँ पर आई वाला भाई ये स्लाइड करना है ना, वो भाई यही करना है। यहाँ पर भाई मून के ऊपर मून, स्टार के ऊपर स्टार, यहाँ पर भाई स्कल वालों को ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको ऊपर लेना जाना आसान है, बट पहले काम करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले सिंबल देखते हैं भाई। यहाँ पर की का सिंबल है, वहाँ पर नाइफ पे नाइफ रख देते हैं, लॉक पे लॉक, की पे की, और यहाँ पर भाई बस यही रह गया है अब, इसको यहाँ पर ये स्कल वाला लेकर भाई यहाँ से आराम से ऊपर, ये भी आ गया और आई वाला भी, यहाँ पर क्या मिलेगा आप हमें, ओ एक सीज़र मिली है हमें, इस सीज़र का यूज़ भी हमें कहीं तो करना है। ये देखते हैं इसको भाई, हमने पजल तो आराम से कर ली, बाकी पजल भी इतनी ईजी होगी तो वो भी हम कर ही लेंगे अभी ना। यहाँ पर भाई मुझे लगता नहीं और कुछ बाकी रह गया, एक कॉक मशीन है, बट वेट एक सेकेंड, ऊपर अपने भाई बाथ टब है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम भाई यूज़ नहीं कर पाए, मतलब देख नहीं पाए सही से क्या क्या है उसमें, जाँच नहीं कर पाए। डेड बॉडी, यहाँ पर तो अभी तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, डेड बॉडी में भी भाई बस कुछ नहीं है, अब एक ही चीज़ बची है बाथ टब, जो कि हम नहीं देख सकते। उसमें कॉक का देखो आपको दिख रहा होगा एक बटन, जो कि शायद मैं नेट से निकाल सकता हूँ, बट इसमें नेट ही नहीं है ना भाई, यही तो प्रॉब्लम है, इसका नेट भी अब हमें ढूंढना होगा, कहीं तो होना चाहिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ पर मुझे कुछ तो मिसिंग हो रहा है यहाँ पर यार, कुछ गड़बड़ है।
भाई मुझे हिंट लेना पड़ा भाई, मतलब मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया भाई, मैं पहले भी देख कर गया था पर नेट रखा था मैंने भाई, ध्यान नहीं दिया, पर हिंट ले लिया है मैंने, एक ही हिंट लिया है अभी तक पूरी वीडियो में। तो अभी हमें फाइनल लाइट मिल गया, तो हम भाई बॉटम में से ये कॉक वाला बटन ले सकते हैं होपफुली। ऑल राइट, हमारे पास कॉक बटन आ चुका है यार। अब है ना हम यह बटन ये लगा देते हैं, ये बटन यहाँ लग गया है। कॉइन का यूज़ हमें यहाँ पर करना होगा, वेंडिंग मशीन के अंदर से हमें कोक निकालनी है। इस कोक का हमें क्या करना है बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा यार, क्या हम ये पीने वाले हैं? इससे मिल के क्या हमें भाई बहुत सारी सुपर पावर मिल जाएगी, या फिर इसके अंदर भी कुछ के अंदर मिलने वाला है, या फिर हम इससे पॉइजन कर सकते हैं अपने भाई किलर को या फिर जो साइकोपैथ है। इसका कोड भी अभी तक मुझे नहीं पता चला, इसके लिए भाई मैं देखो हिंट नहीं लेने वाला है, ये तो मैं खुद ही पता कर लूँगा। तो मैंने भाई एक और हिंट लिया था जिससे कि मुझे पता तो चला कि यहाँ पर कुछ है और ये क्लिप थी, मतलब कि हिंट ने मुझे ये नहीं बताया कि क्लिप लेनी है, बट कोई बात नहीं, मैंने अपना बड़ा दिमाग लगाया था। और अभी ना भाई यहाँ पर ना भाई बस एक ही चीज़ बची है, डेड बॉडी और भाई बाथटब, यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, लॉकर वगैरह खाली है। और हिंट ना मुझे अभी भी बता रहा है कि यहाँ पर कुछ करना है, मतलब कि पिन का यूज़ करना है, क्लिप का यूज़ करना है। मैंने भाई भाई देखते हैं इसके अंदर भाई बल्ब मिल गया। ओ वेट वेट वेट, बल्ब तो मुझे पता है भाई, मुझे हिंट की जरूरत नहीं है, बल्ब ना भाई ये वेंट पे लगाना है। यहाँ पर भाई कब से एक बल्ब मिसिंग है, यहाँ पर भाई लाइट आ गई एकदम से। और स्क्रू ड्राइवर अब यूज़ कम कर, मतलब अंधेरे में हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, अब बल्ब लगने से हम एकदम से यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना यहाँ पर हमें कुछ तो पेपर मिला है एक, और भाई ये पजल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी हमें यार, इसमें तो और बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, मतलब कि एक नंबर चार नंबर ऐसे हमें चाहिए जिससे भाई बराबर क्वेश्चन के आंसर आ जाने चाहिए। क्या हो सकता है मतलब यहाँ पर भाई मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। बहुत टाइम के बाद भाई आ गया, और सच बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैंने तुक्का ही मारा है ऑलमोस्ट। और इसका भाई ये जो पजल का भाई आंसर है ना, मुझे लगता है लॉकर का भाई अपना कोड है, यहाँ पर भाई 26 और 31, जल्दी से भाई वन ये रहा। ओह खुल गया भाई, यहाँ पर बॉक्स है और एक हैंड है, रेड बॉक्स हटा सकते हैं। ओह मुझे क्रोबार दिख गया, क्रोबार एक हैंड भाई, पता नहीं क्या है भाई, ये हाथ असली ना हो बस, बस पुतला ही हो बस। क्रोबार का यूज़ तो मुझे डोर पे करना है, मुझे पता ही है। यहाँ से जल्दी से ना जल्दी से लकड़ी हटाते हैं क्रोबार से, और देखते हैं दूसरे रूम के अंदर क्या ही खतरनाक चीज़ छुपा कर रखी है। पार्ट टू के लिए भाई कमेंट कर देना, और यहाँ पर ये रहे आपके शाउट आउट, असीफ, वर्षा, गोपाल, उजेफा, प्रेम, वंदना, रूबी।